शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में बहुचर्चित बच्चा बदलने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन से 2 सप्ताह में कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी है। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मंसूर अहमद मीर और जस्टिस संदीप शर्मा की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों बच्चों के अभिभावक पेश हुए और बच्चे की अदला बदली की जानकारी अदालत को दी। दोनों अभिभावकों ने कहा कि ऐसी लापरवाही अस्पताल में दोबारा नहीं हो, इससे सुनिश्चित किया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो सारी माताएं इकट्ठा होकर धरना देने को मजबूर हो जाएंगी। Certain directions has been passed by the Honorable Court today. उसमें ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्टेटस रिपोर्ट जो KNH हॉस्पिटल ने फाइल किया था उसमें उनको कंप्लाइंस रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 दिन का डायरेक्शन दी है कि जो जो उन्होंने सुझाव पेश किए हैं कि आइंदा ऐसी कोई भी गलती ना हो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो उसके लिए उन्होंने जो लिख करके दिया हो उसको उसकी कंप्लाइंस के बारे में 15 दिन का टाइम दे करके कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की पटिशन है उसको आज डिस्पोज ऑफ कर दिया है।